जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इनफाइनाइट बस बार। इनफाइनाइट बस बार क्या होती है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्युत अभियांत्रिकी में। इनफाइनाइट बस बार क्या होती है, ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक टर्म इनफाइनाइट बस बार, ये लैटिन वर्ड से ली गई है जिसका मतलब होता है फोर पोल। फोर पोल जैसे कि आपको नाम से ही मालूम पड़ जा रहा है कि सभी के लिए। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो हम पावर प्लांट में अल्टरनेटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस होती है, वो पूरे इंडिया में एक ही अल्टरनेटर नहीं, कई अल्टरनेटर्स लगे हुए हैं, कई यूनिट्स लगी हुई हैं उनकी, वो सारी यूनिट्स को एक कॉमन बस बार के साथ कनेक्ट किया हुआ है। वो कॉमन बस बार को ही हम इनफाइनाइट बस बार कहते हैं। उसे इनफाइनाइट बस बार इसलिए कहते हैं क्योंकि उस बस बार को रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बढ़ाया जा सकता है। तो वो हमारी रिक्वायरमेंट आगे आने वाले टाइम पे हमारा लोड कितना बढ़ने वाला है, इलेक्ट्रिक लोड जो है हमारा वो कितना बढ़ने वाला है, उसका हमें कोई पता नहीं है, कोई अंदाजा भी लगाया जा सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं इनफाइनाइट बस बार। जो इनफाइनाइट बस बार होती है, एक बेसिकली एक कंडक्टर होते हैं, जैसा कि आपको अभी ये इमेज में भी शो हो जाएगा। तो ये कॉपर की स्ट्रिप्स बनी होती हैं। ये जो कॉपर की स्ट्रिप्स होती है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं। और ये जो इनफाइनाइट बस बार है, ये आपका इनकमिंग फीडर और आउटगोइंग फीडर से कनेक्टेड होती है। इनकमिंग फीडर क्या होता है आपका, जब आपका पावर स्टेशन में अल्टरनेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसको सिंक्रोनाइज किया जाता है अल्टरनेटर को इनफाइनाइट बस बार के साथ। तब वो क्या क्या कंडीशंस उसके लिए फुलफिल होती हैं, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए जो जो कंडीशन फुलफिल होती हैं, वो है आपके टर्मिनल वोल्टेज। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, टर्मिनल वोल्टेज, फेज सिक्वेंस, फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों कंडीशन को हमने मैच करना होता है, तब जाके हम इनफाइनाइट बस बार पे इनकमिंग अल्टरनेटर को इनफाइनाइट बस बार के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो इनफाइनाइट बस बार है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होने चाहिए आपके, क्या होने चाहिए वो आपके पता होना चाहिए। वो है आपका सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज, वो सेम होना चाहिए उसका, फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज सिक्वेंस उसका सेम होना चाहिए, तभी जाकर हम किसी जो भी आपका अल्टरनेटर होता है उसको इनफाइनाइट बस बार के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और जो आपका इनफाइनाइट बस बार है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि आपका कितना भी लोड उस पर कनेक्ट हो जाए, लेकिन उसके वोल्टेज में कोई ड्रॉपेज नहीं आना चाहिए, उसका फेज सिक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो एक इनफाइनाइट बस बार है, उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज सिक्वेंस, तो ये आपके इनफाइनाइट बस बार का ये एक आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इनफाइनाइट बस बार पूरे इंडिया में एक इनफाइनाइट बस बार है, जो कि आपका इनकमिंग फीडर का मतलब कि जो आपका पावर स्टेशन पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है अल्टरनेटर के थ्रू, वो स्विच यार्ड पे उसकी सप्लाई को भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा, वो इस इनफाइनाइट बस बार पे भेजा जाएगा, तो उसको बोलते हैं इनकमिंग फीडर। फिर इस इनफाइनाइट बस बार से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो जिस कंडक्टर्स के थ्रू, जिस लाइंस के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको इनफाइनाइट बस बार कहा जाता है, लेकिन वो जो इनफाइनाइट बस बार है उसको बोलेंगे आउटगोइंग फीडर। तो इनफाइनाइट बस बार से आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग गया होगा। ये जो इनफाइनाइट बस बार है, आपने इसके कमेंट में कुछ आंसर भी दिए थे, उसमें थोड़ी सी और एडिशनल आपको नॉलेज की मिल गई है। तो इनफाइनाइट बस बार क्या होती है, ये आपको अभी समझ में आ गया। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।